और जोर से छोड़ो मत उसको, झगड़ो तेजी झगड़ लो, चला जल्दी। हाँ जोर से और जोर से और जोर से जोर से, लगा पूरी ताकत, जोर से और जोर से हाजिर, पूरी ताकत से। हाँ पूरी ताकत से चला और जोर से। हाँ जोर से पूरी ताकत से। हाँ जकड़ो उसको तेजी जकड़ लो, लगा ले पूरी ताकत, लगा पूरी ताकत लगा, लगा कितनी ताकत इतनी पूरी लगा, और जोर से पूरी ताकत से लगा, पूरी ताकत, पूरी ताकत लगा, और जोर से पूरी ताकत से जोर से। आपका राज चल रहा होगा, किसको परेशान करने को, झगड़ लो उसको तेजी झगड़ो। अंदर का छोकरा कहाँ गया, शूटिंग लेना होगा। चल लगा पूरी ताकत लगा क्या, जकड़ लो उसको तेजी जकड़ो, और जोर से काट दूं तेरे दोनों हाथ। चला और जोर से खत्म कर दूं, करूं भसम। देखो तुम लोग बीमारी समझ रहे थे है, दवा गोली कार नहीं करती हूँ, आई ऐसी ताकत दे रहे, क्या होगा तो बच्चे को जरा बोलो क्या मेरे तरफ देख के, दोनों किडनियां फेल हो गई, किडनियां फेल हो गई, जोर से बोलो जरा पूरी दुनिया को सुने होगा, इसका भाई होगा। आखिरी में परसों मेरे मेरी मम्मी का भी रिपोर्ट कराया, उनके भी किडनियां फेल होकर निकला, तो वही घर में मेरे को भी किडनी में, हर किसी को पूरे घर में, पूरा क्या पूरा घर ही सब परेशान है, हर कोई बीमारी में है। कहाँ से आए थे तुम लोग? मैं हैदराबाद से आया। अच्छा, हैदराबाद में गोलकुंडे में रहता हूँ, सालेंद्र का बेंचे में। कितने बार आए थे इससे पहले? मैं एक बार आया, दूसरी टाइम है ये। इससे पहले आए थे? इससे पहले हाजिर हुआ था? नहीं नहीं हुआ था। अब हाजिर हुआ? अब हाजिर हुआ। तो डायलिसिस से दोनों किडनियां फेल हो गए बोला था? दोनों किडनियां फेल हो गए बोला था। अरे तूने किडनियां फेल करा था बच्चे के, बाप का राज चल रहा, कमीनो तुम्हारे, झगड़ो उसको और तेज झगड़ के रखो। ये हैदराबाद के अंदर बहुत सारे पेशेंट, किडनी पेशेंट फेलियर देखा मैंने, तो हर जगह जहां दवा गोली कार नहीं करी, तो वहां समझ जाना कि वो दवा गोली का मसला नहीं है, क्योंकि दवा गोली तुम्हारे को कितनी भी तकलीफ रन दो, ऐसे ऐसे दवा गोलियां निकले आते दौर में, जब भी तुम्हारे स्पीड में राइड कर देते, जब अगर तुम राइड नहीं हो रहा पेशेंट, तो समझ जाना कि वो कुछ ऐसा दूसरी ताकत है, दूसरी निगेटिव ताकत चल रही, वो कर रहे परेशान। मैं आ गया सामने, देखो जकड़ो उसको और तेज जकड़ के लो, जकड़ लो उसको तेज जकड़ो, पानी फुका के पिलाओ उसके पेट में से, आग लगेंगी तेजी से, एक एक घुट फुकाने का, पिलाने का। बॉटल तुमने लाई थी दुकान से? हाँ, मैं सिल थी। हाँ, सिल थी। इतर भी लाए थे? उसमें डालो, थोड़ा कम करो, दूसरी गिलास में डालो, ताकि पिलाते ही फूट पिलाने पड़ता। जलाओ उसके पेट में से, आग लगाओ, जलाओ उसको, उसको बात मत करो, गट करके नहीं लाओ, जलाओ उसके दम से, उसके पेट दम से ही गिर जा रहा पानी, चारा उसे, हाँ जलाओ उसके पेट में से, आग लगाओ, जलाओ उसको तेज से, लगा रही कितनी ताकत तेरी, लगा
लगा बुस्ती के देखो आग, अब जलाओ तेज जलाओ। जलाओ उसी पेट में जरा तेजी से आग लगाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलाओ जरा उसके पेट में तेजी से आग लगाओ। या अय्युहल मुज़म्मिल قم الليل إلا قليلا نصفه ومن خصم قليلا أعوذ بالله رب القرآن تفضيلا إنا سندخل ساحلين مع شوقي يشهد غدًا وأحلام خيلا إنا لك في النهار صبحا طبيلا واذكر اسم ربك واضبط إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا يعجز فتك ذو عقلها واصبر على ما يقولون الله يحج ربنا الجميع فاضرني والمكذبين أولي النعمة بعد المقدير إنا لدي أنكال مدمت من زاغوصة مغذابا نليما يوم طور رجب الزبال كان سبال قضبا معيلا إما أرسلنا إليهم رسولا شهيدا عليهم فقدنا في أرضنا وصل بعض في حضن وصل فأخذنا خطنا ولبقى إذا تستقبل أن تفضل يوم يجين شبا صمتا كان وده مفعولا إن هذه تذكر فمن شاء اتخذ لربه سبيلا إنا ربك يعلم أنك تقوم أن تنسى بذل من اسمه وسوسه وطائفة من الله ذري معك والله يخزار الله والله يخزار الله يخزار الله يخزار الله يخزار الله يخزار الله يخزار القرآن لما سيكون منكم مرضى وآخرون يزربون في الأرض من فضل الله وآخرون ينقذون في سبيل الله فرمى دية من أقوم الصلاة وآتوا الزكاة وأخرجوا الزكاة من حق وما تقدموا لأنفسهم من خير تجر إن الله خير وعز وجل जलाओ उसको और तेजी जलाओ, जलाओ उसको कमजोर कर दो, जला जला के जलाओ उसको तेजी जलाओ। कर दूं टुकड़े तेरे, कर दूं टुकड़े, करा दूं टुकड़े दोनों हाथों के, पैरों के बीच में से कराऊं, कराऊं लगा पूरी ताकत। क्या कर रहा था तू बच्चे की किडनी फेल करा? हाँ इतने कम उम्र में मस्ती चढ़ी, क्या कर रहे हो? देखा अल्लाह कलाम की ताकत। चलो जो पानी आओ फुका पिलाओ उसके पेट में से आग लगेंगे। अकेला ना जलाओ उसके पेट में से आग लगाओ तेज से। जलाओ उसको और तेजी जलाओ, जलाओ जलाओ तेजी जलाओ। देखा कितनी औकात देती है अल्लाह कलाम के सामने। चल सही सही बता, आ पूरी ताकत से और जोर से, हाँ जोर से और जोर से। मैं वाला है। अच्छा ठीक है, पानी निकालो गिलास में, इधर लगाओ नाक में, एक हफ्ते टुकड़े कराने की आग लगा रहा हूँ। जलाऊ पड़े तक रोको, बीड़ो को पड़ा होगा। Yeah.
يعوذ ربي رجال من الفوضى الله يغفر له وحده ونرى من تلصى مفوض نمو شديدا شديدا وشعر من نقل نقل الإسلام يبقى من يبقى من الأنية رصد أنا ذي أشعر من يوضب من كل أسر أما أضب من رب رشد أما أضب من رب رشد من الدنو صالح من تقليد من وزى الله في الأرض ومر وعلى من يردام النبي أقوى من يمر ببلا أقوى من الرحق من المسلم الخاص فمن أسلم فأولا देखा कितनी देरी औकात अल्लाह कलाम के सामने तो हाँ बड़े बात कर रहा था पहले देखा नहीं देखा हाँ चल उठा मुंडी उठा मुंडी चल बता कितने साल से बच्चे गैंग पे कितने साल से चलाओ क्रिकेट में से चलाओ उसको कितने खराब करता हूँ उसको पूरा जला दो उसकी कमी नहीं कितने खराब उसको चला के तेजी से चलाओ चलाओ उसको तेजी से चलाओ जलाओ उसको और तेजी से चलाओ देखा कितनी औकात है तेरी कोई औकात नहीं है चल अब सही सही बता मैं तो पूरा हसम कर दूंगा बता बच्चे के आने पे कितने साल से हो तेरी उसकी कुछ दुश्मनी थी तेरे बच्चों को मारा था उन्हें तेरा घर जलाया था उन्होंने क्या करा था उन्हें ऐसा उसको इतना जुलूम दिया तूने हाँ इतने कम उम्र में खत्म कर रहा था उसकी दोनों किडनैप फेल करके चल बता जलाओ उसको जरा और तेजी चलाओ लगाओ तेजी से हाँ नहीं लगाओ ना उसके अंदर जकड़ो उसको और तेज जकड़ो चला बोल कितने साल से उसमें पानी भरे जो पूछा मैं उसका जवाब उस बोतल में नहीं क्या बोल रहे फोन पर तुम कुछ तो फोन भेज के दिए थे मेरे पास क्या बोल रहे सुन क्या मैंने सुना ना आपको आपको दिया था क्या सुना बुला रहे हो जकड़ो उसको और तेजी जकड़ लो बताओ उसको कितनी औकात है उसकी तो बुलाओ अब जलाने वालों को तेजी जलाओ उसके जकड़ लो जलाओ 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 तेज जलाओ जलाओ पूरा काट के फेंक देता हूँ जलाओ और तेज से जलाओ दर्द दो उसको खुद को दर्द हो रहा था दर्द हो रहा कमी है और बच्चे को कर रहा था परेशान तो चल बोल मरे आला है जिंदा है तू हैदराबाद में रहता हैदराबाद के बाहर रहता कहाँ रहता कहीं में मिला के खिलाया था कहीं में मिला के खिलाया था हाँ कहीं में मिलाया था कहीं में कहीं में
जादू चलाने टाइम पे क्या लिख गए थे? जलाओ, उसके बाद हाथ में तेजी से आग लगाओ। काट दिए। हाँ, किसके वास्ते वफादारी कर रही थी? वो लोग तेरे मार पड़ी। ये बच्चा तेरा दुश्मन नहीं है, वो लोग दुश्मन है तेरे, जिन्होंने इसके आंग में लाके तुझे छोड़े दो। देख तुझे फंसा दिए उसके आंग में बच्चे की, तुझे इतनी मार पड़ गई, लोग तेरी मार लेने को आ रहे क्या? नहीं आ रहे। वो लोग सुकून में बैठे आले, वहां देख तू फंसा दिए इसके आंग में। वो लोग तेरे दुश्मन है असल में, ये बच्चा नहीं है। चल बता मेरे को सही सही, बोल। हाँ चल बोल, 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 जल्दी बोल। कि दुकान वालों को बोलना है ये से ज्यादा ला के रखो, और पानी की बाटल के साथ में ऐसा लगा के एक्स्ट्रा दे देते जाना, तो जितना निकाल दिए शैतान उनके साथ में पानी की बाटल उनकी उनको दे देने का, घर को ले जाके कुछ ना करो बोल के। देखने को भी अच्छा नहीं दिख रहा, जलाना तिबिटी मार पड़ाना। शैतान सही सही बोल, वो लोग उनके बुला के इसके अंदर फंसाए ना, तेरी कुछ दुश्मनी हो बच्चे के साथ, असल में तेरे वो दुश्मन है जिन्होंने इसके आंग में लाके डाले थे। हाँ चल बोल सही से, फोन डाला कहीं मिला खिलाए थे उन्होंने, बोल। तू यहाँ जितनी पेट करेगा तो उतनी मार पड़ने वाली, यहाँ किसका कुछ जाने वाला नहीं है, मार मार के चिंदी करके खत्म कर देते थे। बोल दे उससे पहले मेरे को सही सही, शाबाश बोल दे। तो अगर मेरे को सब सही सही बोला तो देख मैं कुछ नहीं करता हूँ, अगर तुम मेरे को नहीं बोला तो देख रहा तुम्हें अपना सा जला लेते, फिर पूरा जला के खत्म कर देता हूँ। चल हाँ बता, जादू चलाते वक्त बच्चे का क्या लेके गए थे? बोल। इधर फूका के लगाओ उसके नाक में। चल बोल, शाबाश चल बोल सही से बोल, मेरे सब क्या ले गए थे इसका? जितना लेट करेगा मुझे उतनी मार पड़ेगी। देखा तूने इससे पहले अलग का मारने लगा, मैंने चिंता करके पूरा मारने लगा उतनी को बसा। हाँ जोर से बोल, शाबाश मिस्टर, मेरे को सब सही से बोल। मुझे अच्छा नहीं दिख रहा देखते कुत्ता मार पड़ने लगाना, तेरी दुनिया में मेरा नाम खराब होगा, फिर लोग बोलेंगे देखो तेरी दुनिया की कितना मारने लगा रहे हजरत। चल बोल सही सही बोल, बच्चे के आंख में कौन छोड़ा था? बोल। हाँ कितना टाइम होगा बच्चे को खिला के? बोल। हाँ बोल ठीक है, फिर तेरे हाथा काट के लेता मई तेरी खत्म कर देता हूँ, करो खत्म। हाँ
के वो हाथ में तेजी से हाथ लगाओ। नहीं मालूम। झूठ बोल रहा नहीं मालूम।
बच्चे की माँ की किडनैप कौन फेल करे? बच्चे को मार के माँ को मारने था? सारी दास्तान सही सही बयान कर मेरे सामने, तुझे छोड़ देता मैं तो घूम दे दूंगा इसे यहाँ तक काटने चला दो बोल के। क्या लिख गए थे उसका? हाँ क्यों तुम कसम डाला नक्को बोल बोल के? कसम डाला उसने तुझे ये बच्चे के बारे में कुछ मत बोल बोल के? इतर लगा उसे नाक में उसकी पीठ पकड़ी रखी थी उसको दम करा के लगी। लगा उसके नाक में सारे बातें मेरे को सही से बोल, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। जितनी टट करेगा तुझे उतनी मार पड़ेगी, जितनी टट करेगा तुझे उतना जला के भस्म कर दूंगा। जल्दी बोल। हाँ कर दू पूरा भस्म। हाँ देख लिया ना तेरी कोई औकात नहीं है, चल सही से बोल। बच्चे को दोबारा परेशान क्या हाय करीना दोबारा उसको परेशान बोल? बढ़ेगा उसका क्रिएटिन? करेगा उसकी किडनैप फेल? हाँ देख लिया ना कितनी तेरी औकात तो अल्लाह कलाम के सामने। हाँ जोर से बोल नालायक, सब कुछ सुने आ रहा वो दादा की जा चल रहे थे तेरे बच्चे के ऊपर, उसकी माँ की भी किडनैप फेल करा तूने? हाँ चल मेरे को नाम बता दे, मैं तुझे आजाद करा देता। चल नाम बता, नाम बता कर मैं तुझे आजाद नहीं करता। देख किसका नाम जानने का तुम्हारा नाम? जादू कौन करा रहा है मेरे घर में? इतने परेशानियां कई हो रहे हैं, हर कोई बीमार है अंदर। अरे इनके घर में तो करीब 4-5 लाख का खर्चा है। अरे इनके घर में कौन कर रहा है इतने परेशानियां? हां पूछ कर रहा था साहब, क्या बोले उन्होंने फोन कर बुला रहे उधर वो 15 की है करते हो ना सब बोलने में चुप हो गए थे यार तोड़ के जलाओ जगड़ लो तो और तेज जगड़ो लगा की थी ताकत तेरे लगा बच के भाग सकता के देखते यहाँ से लगा पूरी ताकत लगा साथ नहीं तेरी यहाँ पे। चल जल्दी बता झगड़ो उसको और तेज से। अच्छा तू हिंदू है मुसलमान है कौन था तू? वो भी मालूम तुझे?
मरने से पहले कौन था तू? हाँ नहीं मालूम कहाँ से लाए तुझे, शमशान से लाए, खबरस्तान से लाए पकड़ के? ये तो मालूम है तुझे, झूठ बोल रहा हूँ मेरे सामने। मारो उसको जकड़ के, तेज मारो उसको जकड़ के, और तेज जकड़ो उसको। मार दे रहा उसको, मारो गठिया सा बनाओ, मारो उसको, कमजोर करो, मार मार के मारो उसको, और ठीसा बनाओ उसका। देखो एक राउंड का मौका, अगली चक्कर तक का दूं तेरे को मौका क्या? नहीं बोल, सुनेगा सबके नाम याद करके आके मुझे। हाँ बोल जल्दी। बोल, सबके घरों को जाना, गौर से सुन क्या हुकुम दे रहा हूँ मैं तुझे तो। हाँ सबके घरों को जा, जिसने जादू करा सबके नाम याद कर क्या? जादूगर कौन था? कहीं में मिला के खिलाए? कितने लोग थे? क्यों जादू चलाए? जादू चलाते वक्त क्या ले गए थे? जादूगर को कितने पैसे दिए? और उसके घर में और किस किस को मारने आए थे? ये सब याद करके आके सुना रहा हूँ दूसरे चक्कर में, ठीक है? हाँ चल जोर से बोल, ठीक है? हाँ चल अब जा, और मिक्स सब याद करके आके सुना रहा हूँ। बच्चे को परेशान नहीं करना, उसकी किडनी फेल नहीं करना, ठीक है? क्रिएटिन लेवल नीचे उतार देना। हाँ चल दूसरी चक्कर में सब सुनाना मेरे को, चल भाग 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 जा, कोई उसको छोड़ो तो एक मौका दो उसको। हाँ जा रे, एक मौका दे दिए तेरे को, चल जा, चल भाग। चलो डालो मेरा पानी, क्या नाम है उसका? मुकरम। ए मुकरम, अरे मुकरम, आओ भाई। क्या हुआ क्या हुआ, इतना पानी का तो गिर गया मेरे आंग पे तेरे? हाँ बारिश ही थी, गिर छटपट छटपट के गिर गया पानी इतना। कैस किया, क्या हुआ? कच्चा ऐसा कुछ कच्चा होगा, मुझे याद है कि अभी सॉल जाओगे वाले। हाँ ये कौन है? हाँ वो कौन है? वो अच्छा, कहाँ से आए थे आप लोग? हैदराबाद के लिए, वो पुणे से। हैदराबाद वो पुणे के लिए से। क्या प्रॉब्लम थी आपको? जोर से बोलो, पूरी दुनिया देख रही है। क्या मेरा डायलिसिस चल रहा है, मेरे दोनों किडनी आप मिले। हाँ अच्छा, डायलिसिस चल रहा, किडनी आप मिलते सब। हाथ बताओ, तुम्हारे हाथ में क्या है? मशीन डाल दे रही हूँ, मशीन है कैमरा नजदीक, ये मशीन है। पुतले के जैसा मत खड़े रहना, लोग अमीर बोल रहे ना कमेंट में। पिस्तौला है ये मेरे हाथ में। क्या है वो हाथ में? पिस्तौला है। अच्छा वो मशीन है क्या? फिल्टर के मशीन है। अच्छा डायलिसिस की मशीन है। एक किडनी फेल हुई थी, दोनों फेल हुए थे? दोनों एक ही साथ में फेल हो गए दोनों। सडनली अचानक हुए थे एक एक से? कैसा हुआ? नहीं अचानक हो गए, थोड़े दिन तबीयत खराब की, बुखार सर्दी बुखार हुए बोल के बोलने वाले, ये बोले भाई इनको इरफान हो गया, वो बोल के इरफान की दवा वो खिलाए, एक दो तीन जगह से दवा खिलाए। सडन एक दिन टेस्ट का रिपोर्ट आ गया तो मालूम हुआ इनकी किडनियाँ खराब हो गई। अच्छा कितना लेवल था क्रिएटिन का? पूरा फेल हो गए थे? हाँ पूरा 10.10 था। हैदराबाद में फिरा मैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि इसके ऊपर जादू हुआ वाला है। हर कोई यही बात बोलता था कि उसकी बीमारी है, किडनियाँ फेल हो गई, उसकी दवा कराओ, किधर भी ले जाके दवा कराओ। कई जगह दवा खिला, क्या बोलते राजस्थान गया दवा के लिए, वहाँ से दवा ले गया, राजस्थान चले गया, मध्य प्रदेश गया, मध्य प्रदेश। दवा तो ये अंदर का बैठा खा रहा था ना ये? इससे पहले कहीं हाजिर हुआ था क्या? कहीं दरगाह भी ले गए थे? कहीं मौली साहब अहमदाबाद भी भिजाया, अहमदाबाद की दरगाह में भिजाया, वहाँ पे चार पाँच दिन छह दिन तो वहाँ से भी आ गए। वहाँ अहमदाबाद शरीफ गए तो वहाँ क्या हुआ था? कुछ भी ना हुआ, तीन चार दिन था वही। हाँ तो उन्होंने बशारत देते ना, रुको बोलते, उनका सुन के आना पड़ता कितने दिन। डायलिसिस कराना जरूरी था, उस वास्ते आ गए थे। तबीयत खराब हो रही थी तो आ गया। अच्छा फिर उसके बाद में कहीं हाजिर नहीं होता, पहली बार यहाँ हुआ? पहली बार यहाँ पे हुआ। तकलीफ कंटिन्यू थी समझो?
क्या हो रहा था तकलीफ में? तकलीफ में खाना हजम ना होना, रात में नींद नहीं, सांस रुक के सर का होता था, बहुत परेशानी थी। लोग काम अच्छा खासा मैकेनिक वाला बच्चा है, काम छूट गया मेरा। अरे दो साल से मैं काम पे नहीं हूँ, बहुत बड़ी मुश्किल में, बहुत बड़ी परेशानी। क्या अभी हाजिर कर लेंगे तुम्हारे? 2-4 लाख रुपए लिया गया मैं? नहीं सर, कुछ भी तो नहीं लिया मेरे से। लोग बोलते हैं ना 2-4 लाख लिया हाजिर करने के लिए, नहीं नहीं लिया कुछ भी ऐसा। अब तक पैसा भी नहीं लिया। दूसरे राउंड है, पहले राउंड में 2 बार खाना भी खिला के भिजाया अब यहाँ से लंगर का, 1 रुपया भी यहाँ पर कोई मांगने वाला नहीं है। अब कैसी लग रही तबीयत तुम्हारी? तब ठीक ही दिख रही था, हल्का लग रहा, हल्का दिख रहा था, खंडे पूरे वजन हो जा रहे थे मेरे, गर्दन में बहुत दर्द है। वो आया था ना अंग पे आके बात करके। अच्छा यहाँ आधा एक घंटा जो आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला, घंटा भर जो चला तो उसमें सवाल जवाब हुआ। तुम्हें कुछ याद है क्या? मेरे में सवाल जवाब कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें कितना याद है? मेरे सामने बैठे थे वहाँ से कितना याद है? फिर होश कहाँ आया तुम्हारा? हाँ वो हाजिर हो जाता ना, फिर वो हाजिर होने के बाद कुछ याद नहीं रहता। पक्की हाजिर रहती हो जब हाजिर होता तो इंसान कुछ याद नहीं रहता। तुमने पानी की बॉटल लाए थे, सील लाए थे क्या? मैं लेके आया सील, पानी की बॉटल लेके आया। कौन सी लाए थे? ईतल लेके आया सील, अगरबत्ती का कपड़ा लेके आया सील, ये लेके आया शक्कर। तुम्हारा पड़के निकाल दिया तुम्हारे पानी से सब? जी हाँ। चलो उसको एक मौका दिया, नामा याद करके आएंगे, जाके शैतान कौन डाले थे क्या डाले थे, फिर आके सुनेंगे अपने दूसरे राउंड में। फिर तो एंड का लास्ट का याद है, उससे पहले का शुरू का याद है क्या कुछ? मैंने कहा ख़त्म, उसको भेज रहे थे जब इनकी याद आश आई थी इनकी, वो आपका याद है। चलो और क्या बोलते, तो क्या यूट्यूब पे डालना नहीं डालना कहीं को डालने का यूट्यूब पे? नहीं नहीं यूट्यूब पे डालना साहब, क्योंकि हमारा देख के दूसरे लोग भी फायदा उठाते, हम खुद यूट्यूब पे देख के, हम खुद यूट्यूब पे देख के हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आए। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह तुम्हारी इजाज़त है डालो। बोल हाँ बिल्कुल इजाज़त है साहब। चलो इंशाल्लाह। कितने राउंड में हाजिर हुआ यहाँ पे? दूसरे राउंड में। पहले तो क्या होता था, डायलिसिस चालू था, सब चालू था जी। मगर क्या है अल्लाह के हुक्म से जैसा कि दूसरे राउंड में आ गया सामने जी। अब तुमने सुना ना उसकी जबानी, अब क्या है तो तुम लोग अब देखो। अब सब तो बीमारी समझ रहे थे जी, बीमारी समझ रहे थे और डायलिसिस करा रहे थे। मेरे मुँह से मैं कुछ नहीं बोलता, पूरी दुनिया और सब मेडिकल साइंस, सब लोग देखो, जहाँ मेडिकल मेडिकल साइंस दवा गोली कार करती फ़र्क होता तो वहाँ पर बीमारी रहती, जहाँ पर फ़र्क हो रहा फिर बीमार हो रहे, फ़र्क हो रहा फिर बीमार हो रहे, तो फिर वो बीमारी नहीं रहती, वो निगेटिव ताकत रहती, बुरे शक्तियाँ। अब खैर अल्लाह करम से हुआ हाजिर हो सब। और हैदराबाद की कई दास्तान है, हैदराबाद के अंदर बहुत सारे लोगों को वैसा करे अलर्ट के खिला के डायलिसिस पे डाल देते, किडनी फिल करके मारने के वास्ते। मेरी बस्ती में मेरे घर के आसपास मेरे बाजू वाले को वही किडनी प्रॉब्लम हो गया, मेरी वालदा को वैसी किडनी प्रॉब्लम हो गया, मैं वही चीज़ से परेशान हूँ कि क्या हो रहा क्या है। जिसको दवा खाने को लेके तो बोलते डायलिसिस है, वो कराना ये कराना, 30,000, 40,000, 50,000 टेस्ट कराओ, रिपोर्ट आ जाओ, वादा को लेके क्या पड़ू, 8,000 रुपये टेस्ट आओ, डॉक्टर देखने के ले लिया बस। अल्लाह तो वही सच ना, ये लोगों को क्या है। और दूसरी बात, इबादत भी ज़्यादा से ज़्यादा कर जाओ, नमाज आती पढ़नी है, कुरान आती क्या? हाँ कुरान भी पढ़ते जाओ, सूरह यासीन पढ़ो, सूरह मुज़म्मिल पढ़ो, सूरह रहमान पढ़ो, जो आता वो पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, एक रुकू पढ़ो कम से कम रोज़, 2-3 पेपर पढ़ो। हाँ तो इंशाल्लाह उससे भी कहता है तो ये भी होता, मगर इससे पहले कभी हाजिर ही नहीं होता कहीं ना, कोई बोले भी नहीं। नहीं बोला मैंने, देखिए कैसा हाजिर हुआ यहाँ पे, इतनी जगह गया हमें किसी ने ये नहीं बोला कि जादू है बोल के, क्योंकि मैं छुपाने वाली बात क्या, मैं हिंदू के पास भी गया कि इसको कई का है, मुस्लिम के पास भी गया, हाफिज के पास भी गया, मौलाना के पास भी गया, सबके पास, जितना हैदराबाद में जितनी मालूम है मैं उतना लेके चला, लेकिन कोई किसी ने ये बात नहीं बताई कि इसको जादू, इसको जादू से बीमारी होना। किसके भी कैसा है, किसकी भी जबान में थोड़ी तासीर रहता अल्लाह ने दिया। अब पूरी दुनिया के आमे लोग, वो छोटे छोटे जो आमिल हैं, उनके रास्ते में खास एक बात बोलूँगा कि तुम जिन्नात और शैतान को कभी नहीं छेड़ना किसी के आंग में अगर आया तो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई बड़ी ताकत नहीं रहती, तुम खुद को जान लेते, तुम खुद, तुमको मालूम है तुम कितने पानी में। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखा जो मेरे साथ के दोस्त थे बचपन के, क्लास में पढ़ने वाले स्कूलों में, तो वो लोगों ने ये करे कि नो जब इतनी ताकत से जिन्ना था शताना निकाल सकते तो हम भी निकालेंगे, अभी चिल्लो मटेंगे, पढ़ाया करें, पागल हो गए बहुत सारे, फिर मेरे कुछ राइट करना पड़ा। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी हो गए कि एक दोस्त ने उसके घर में कुछ छिलावा बना दिया, गौसे आज़म का, अब निकालना चालू करा था, तो वो ऐसी दास्तान हो गई
हबीस निकला उसकी माँ के आंग में घुसा। ये शैतान जो रहते हैं ये छोटे मोटे ताकतों से नहीं डरते, तुम अगर उनको छेड़े वो तुम्हारे घर के लोगों को परेशान कर देते, उन पर हमले करके उनको मार देते। तुम्हारे पास कुछ ताकत होंगी बड़ी तो छेड़ो, अल्लाह ने कुछ दिया लाऊंगा तो छेड़ो उनको, नहीं तो शैतान मारता हमले कर देता। यहाँ पर देखो अपने आंखों से देखो और वीडियो के अंदर कि शैतान उनको अल्लाह के फजल करम से टच भी नहीं करने देते, नहीं को ऐसा टच भी करने की कोशिश करा तो उसकी हाथ ले जाके पीछे बंद देते, नहीं तो जमीन को चिटका देते। ये सब अल्लाह की तरफ से मौजूद है तेरे, सब खुदा की कुदरत है। वो मैं भी कुरान पढ़ के निकाल रहा हूँ, तुम भी कुरान पढ़ के निकालने की कोशिश करेंगे तो तुम्हारे जबान में वो बात नहीं है, फिर तुम पे क्या है, कुछ भी कर सकते, वो हमला भी कर सकते, कहीं भी पड़ गए जिन्ना शैतान, क्योंकि वो बहुत बदमाश रहते हैं और वो तुम पे नहीं करते, एक सेकंड में निकल के तुम्हारे घर के लोगों पे जाकर हमला करते। इस वास्ते सोच समझ के करना, जितने भी आमिल लोग अमल करने वाले अमल अमलियात, उनको खास कर मेरी ये कितना पैगाम दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, तुम करेंगे हरकत तुमको शैतान जिन्ना को छेड़ देंगे कि वो इतने बदमाश रहते हैं वो निकलते हैं जाके तुम्हारे घर में हमला कर देते, तुम्हारे बीवी बच्चों पे किस पे भी, तुम्हारे को कोई बीमारी बदल देते। क्यों बता रहा हूँ मैं ये सब डालता हूँ, क्योंकि तुम पक्के तरीके से मजबूत कदम नहीं रहते, तुमने कुछ सीखे अलग नहीं था, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है जो तुम उसको छेड़ेंगे कोई भी बला बदतर को तो वो हमला कर देगी। इस बात को सोच समझ के करना, कभी आगा शैतान हाथ उठा देना अपने से बड़े उस्ताद के पास भेजना, जो भी बड़ा है जो करता सही तरीके से, उस गलती कभी नहीं करना, क्योंकि मैंने मेरे आंखों से देखे आले बहुत सारे गलतियाँ। इससे पहले खबीस लगा था, उसके माँ को लाए मेरे सामने, उसको पूछा मैं क्यों लगा रहे तू इसको, उन्होंने बोला क्या नीचे में डाला, बोले साहब मैं क्या करूँ, बोले इन्हें मेरे को पानी मारा, बोले निकल बोला, बोले तो मैंने बोला इसको ऐसा ठहरते को बताता, उसकी माँ के आने में घुस जाता, बोले तो 7 साल परेशान करा, बोले 7 साल के बाद आया मैं मेरे पास सामने शर्मा शर्मिंदगी को, तो ऐसा रहता। इस वास्ते वो करना नहीं है, और दूसरे खुद के फैमिली को उसमें तकलीफ में डालना नहीं, करो तुम पढ़ो मगर रुतबा एक हैसियत बनाओ उसके बाद वो करो, अल्लाह की तरफ से ताकत है लोगों की, उस बात की, क्योंकि यहाँ का निज़ाम तुम खुद देखो वीडियो के अंदर, उसको टच नहीं करने देते, उसके हाथा ले जाके पीछे बन देते कर देते, जेर हो जाता उसको सकने उसे जनते उसे बन देते। तो तुम सोचेंगे अरे इन्हों भी कुरान पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ के निकाल देते, तुम ऐसा पढ़ के उसको मारे पानी पीने, तुम्हें तो देखता देख के बोलता है ऐसा ठीक है, देखो बताता हूँ बोलते हमला करता हूँ। तो इस वास्ते खास कर ख्याल रखो इस सब बातों का, घर से दुआएं पढ़ के निकालना, घर के बाहर कभी भी गए तो कोई दावत में जा रहे तो खाना दुआ पढ़ के खाओ, चारों फूल पढ़ के खाओ, बैतल कुर्सी पढ़ के खाओ, तो आप कोई भी ऐसी दवा डाला तो उसकी दवा कार नहीं करती, तुम बाद में दवा गिरने के बाद कहेंगे बोल तो भी शैतान तुमको पढ़ने नहीं देते। मैंने बहुत तजुर्बा देखे आला है, बल्कि मैं तजुर्बे से मैं तुमको बता रहा हूँ, इस वास्ते सही तरीके से तुम सेफ रहेंगे, तुम्हारी फैमिली सेफ रहेगी। एक इंसान अगर डिस्टर्ब हो जाता है, एक इंसान की अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है उसको, तो उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती, ना उसका बाप ना उसका भाई ना उसकी बहन कोई सुकून से रह सकते ना सुकून से खा सकते, हालांकि उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, एक इंसान को प्रॉब्लम रहती है इसको, मगर इसके वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब रहती, क्योंकि वो खून का रिलेशन है। इस वास्ते तुम्हारे का ख्याल रखो, तुम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती तुम्हारी वजह से, किसी का कमाने में दिल नहीं लगता, भाइयों का ना कमाने में ना खाने में ना पकाने में कोई चीज़ में दिल दिमाग नहीं लगता। एक इंसान अगर घर का परेशान रहा बीमार रहा या उसके आंग में शैतान आने लगा, और जिसको तकलीफ होती जिसके ऊपर से ये सब बातें बीतते उसको पता चलता कि हकीकत में क्या रहती दास्तान, और जिसके ऊपर नहीं बीतती तो वो कमीना छाऊ में बैठ के ठंडे छाऊ में बैठ के मजे लेते बैठा लगता सबके ठंडे डालते, जब उसको बीतती तो फिर उसको उसकी नानी याद आती फिर क्या रहती हकीकत। तो इस वास्ते कैसा नहीं है हर चीज़ है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बार बार फरमाया पढ़ो समझ के पढ़ो, तोता रटे जैसा कुरान को मत रटो, समझ के पढ़ो तुमको सब मालूम हो जाती है हर चीज़। चलो ठीक, नमाज इबादत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना इतना ज मेरा कहने का मकसद है, और अल्लाह के रसी को मजबूती से थामना अल्लाह उसके रसूल की। कैसा लग रहा आँखों पे मारो, उनके आँखों की सूजन बहुत ज़्यादा थी पहले, अब कम हो गई, आधी बाधी उतर गई, अपने आए सब खुल गया लेते कम हो गए, थोड़ी देर में चढ़िया की सूजन, थोड़ी देर में उतर गया अभी शैतान था ना उन्हें कर रहा था ना वाहिर को बोला ना वाहिर हाजिर की दास्तान ऐसी रहती है, अगर बहुत सारे लोग आते रहे बोलते अभी हाजिर करो वैसे नहीं रहता, उसको उसके हिसाब से कमज़ोर करके खींचना पड़ता। अब ये आया इनका दूसरी राउंड में खींचा मैंने बाहर, कोई आते किसका तीसरी में, जिसके उसके हिसाब से तब देख के खींचना पड़ता उसकी तबीयत में क्या है कैसे लेवलते हैं वो। और दूसरी बात कि धुआं का पानी है जो सब चीज़ें देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पीने का था, क्योंकि धुआं का पानी जब पिलाए तो तुमको दिख रहा नहीं क्या कैमरों में, इतना सब देख रहे इतनी वीडियो देखो ना पानी पिलाते उल्टियाँ होना चालू हो जाते शैतान को, बड़ जितनी भी दास्तान सब बाहर निकल के फेंक देते उसकी,
और उसके अलावा क्या बोलते तुम, लोग बोलते नहीं नहीं अभी निकालो, ऐसा नहीं रहता किसी का एक ही मिनट में लेता हूँ मैं खींच के, किसी का जब लेने का मेरे हिसाब से लेता हूँ मैं, तुम्हारे हुक्म पे नहीं चलता ना मैं, देखो मेरे मर्जी से चलना पड़ता है, देख के सवाल है। कितने बार में हाजिर हुआ तुम्हारा? दूसरी बार है, दूसरी बार में आ रहा हूँ उनके सामने सब बोल देगा, वो सब लोग बीमारी समझ रहे थे, बीमारी नहीं थी बीमारी। जहाँ मैं एक बात और तुम्हारे लोगों को ये बताता हूँ कि जहाँ पर बीमारी है वहाँ दवा गोली खिला दो उसको फर्क हो जाता, जहाँ पर जादू टोना है तो उसको दुआ का पानी पिला डालो वो भी हट जाता, और जहाँ पर आजाब इलाही है तो फिर वो दवा और दुआ दोनों से भी नहीं हटता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने आजाब में गिरा लगता हूँ। आमाल अच्छे रखो सब होने दो, मगर अल्लाह के आजाब में मत गिरो, उसमें गिर गए तो फिर नहीं बच सकते। चलो ठीक है, खैर।